we have Companies Act. और इसमें अब जो टॉपिक लेना है वो है डायरेक्टर्स. जो डायरेक्टर्स टॉपिक है एज सच अपने आप में थोड़ा लंबा टॉपिक है. सेक्शन 149 से शुरू होता है और सेक्शन 205 तक तो जाएगा ही जाएगा. 149 से लेकर 205 तक. तो इसमें बोर्ड मीटिंग्स भी आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी आएगा, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी आएगा, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह. तो बहुत सारी चीजें जो पहले अलग चैप्टर हुआ करते थे वो सब इसी के बीच में कवर अप हो जाएगा. तो डायरेक्टर्स अब जो नया कंसेप्ट है उसमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई. वीमेन डायरेक्टर कंपलसरी कर दिया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में था लेकिन अब वो कंपलसरी कर दिया. रेसिडेंट डायरेक्टर का नया कंसेप्ट ला दिया. तो कुछ कुछ नई चीजें इसमें शामिल हो गई. तो पहला जो सेक्शन है वो है हमारे पास सेक्शन 149. सेक्शन 149 और उसमें भी अगर सबसेक्शन 1 की बात करें तो दिस टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो अब कंपनीज कितने तरह की हैं. तीन तरह की कंपनीज हैं. वी हैव वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज. मिनिमम डायरेक्टर वन पर्सन कंपनी, वन डायरेक्टर. प्राइवेट कंपनीज टू डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनीज थ्री डायरेक्टर्स. दिस इज मिनिमम सेपरेटली बट मैक्सिमम इज द कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल. किसी भी कंपनी में भले फिर वो ये हो या प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हालांकि यहां तो कभी वो नौबत आएगी नहीं, लेकिन यहां पर क्यों प्राइवेट कंपनी जो देयर इज नो लिमिट अप टू व्हिच इट कैन ग्रो, व्हाट कैन बी द कैपिटल, व्हाट कैन बी द बिजनेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, उसमें सीलिंग नहीं है. तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस एक सर्टेन एक्सटेंट तक पहुंच जाए, राइट. तो किसी भी कंपनीज में मैक्सिमम दिस इज 15 फॉर ऑल कंपनीज. किसी भी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सामान्य परिस्थिति है. अब इसी में आगे ऐड करते हैं, हाउएवर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी may decide to have more than 15 directors. तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ले तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट. और जो बात यहां नहीं लिखी वो भी हमको समझना पड़ेगी कि जब ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो आर्टिकल्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. तो 5 से 15 तो मैक्सिमम 15 तो एक्ट में ऑलरेडी आ गया. अब अगर 15 से ज्यादा करना चाहते हैं
तो उसका ऑथराइजेशन आपको आर्टिकल्स में डालना पड़ेगा. सो दिस स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी इफेक्टिवली फॉर अमेंडिंग द आर्टिकल्स दैट कंपनी मे हैव डायरेक्टर्स एक्सीडिंग 15 बट नॉट एक्सीडिंग दैट मच. तो ये प्रोविजंस आर्टिकल्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेंगे. अब यहीं पर ये प्रोविजंस आगे कहते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव अ वुमन डायरेक्टर. तो यहां पर नया कंसेप्ट आया, सबसेक्शन 1 में ही है वुमन डायरेक्टर. ये हटा दूं, प्रोविजंस कहते हैं क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज प्रेस्क्राइब्ड शुड हैव एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर. कम से कम एक वुमन डायरेक्टर तो चाहिए ही. अब इसको लेकर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, विच आर द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू हैव. अब इसके नीचे पॉइंट्स वाइज करते हैं, राइट. सो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहां पर क्या कर दिया, सिर्फ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, विच आर दोज कंपनीज. नंबर 1, एवरी लिस्टेड कंपनी. नंबर 2, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट ₹100 crores और टर्नओवर ऑफ ₹300 crores. कॉमा एज पर लास्ट बैलेंस शीट. तो जो भी कुछ देखना है वो भले मामला कैपिटल का हो या टर्नओवर का हो, दैट इज टू बी कंप्यूटेड एज पर द लास्ट बैलेंस शीट. सो एवरी लिस्टेड कंपनी. नंबर 2, एवरी पब्लिक कंपनी. तो लिस्टेड कंपनी में पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं, टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं, लेकिन जो बाकी दूसरी कैटेगरी लिखी है पब्लिक कंपनी में, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज. तो नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी आइदर हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़, दो अलग अलग पैरामीटर है ना, दोनों क्यूमुलेटिव की बात नहीं है. सो आइदर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़, दोनों में से जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी एंड दैट इज एज पर लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब कंपनी को यह रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगी. पॉइंट नंबर 2, एवरी कंपनी शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट within 6 months since incorporation. अब यह गड़बड़ है. अब incorporation के बाद प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कहां से आएगा? Isn't it? जो कहना चाहते थे विद इन 6 months आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कहना यह था, कह ये दिया विद इन 6 months आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. एनीवे जो लिखा है अपने को वही करना है.
अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो ये अपॉइंटमेंट कंपलसरी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार अपॉइंट कर दिया बाद में व्यक्ति चला गया तो फिर चला गया वो मामला खत्म हो जाएगा। उसके लिए प्रोविजन जरूर है दैट इफ एनी वैकेंसी इज क्रिएटेड दैट शुड बी फुलफिल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months सिंस द वैकेंसी इज क्रिएटेड। सो पॉइंट नंबर 3, ए वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ वुमन डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ वुमन डायरेक्टर कॉमा इट शैल बी फिल्ड अप आइदर इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग held thereafter or 3 months comma whichever is later। तो जो भी चीजें बाद में आ रही हूं मतलब 3 महीने से ज्यादा का भी समय हो सकता है और ये आपको शायद अंदाजा होगा कि द टाइम गैप बिटवीन द टू बोर्ड मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 120 डेज राइट। तो अगर एक बोर्ड मीटिंग और दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 डेज से ज्यादा का गैप है या 3 महीने से ज्यादा का गैप है तो विच एवर इज लेटर आएगा, अदरवाइज तो 3 months का जो टाइम है दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द लेटर। तो कंसेप्ट दे दिया द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमन डायरेक्टर शुड बी फुलफिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months और इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर द वैकेंसी इज क्रिएटेड विच एवर इज लेटर। मतलब वहां पर जो अपॉइंटमेंट था वो सिर्फ अपॉइंटमेंट करके फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाएगी, दैट हैज टू बी कंटिन्यू। तो इतनी सारी बातें थी सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में। कितनी बातें हो गई? पहली बात, मिनिमम डायरेक्टर चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर इनके जो 1 person कंपनी 1, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3 राइट। मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 बट बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी मे डिसाइड टू हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स ऑल्सो। फिर बात आ गई वुमन डायरेक्टर की। सो सेक्शन केवल इतना कहता है द क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनी विच आर प्रिस्क्राइब शुड एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर। कौन सी कंपनीज है? एवरी लिस्टेड कंपनी। नंबर 2, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज विच आर हैविंग आइदर पेड अप कैपिटल ऑफ मिनिमम 100 crores या फिर turnover of 300 crores एज पर लास्ट बैलेंस शीट या P&L कह सकते हैं, है ना। अब ये रिक्वायरमेंट्स का पूरी करना है विद इन 6 months ठीक है। उसके आगे के शब्द हटा दो क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है, वो कैसे लाएंगे उसके बाद प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड देन इट इज सेड इफ एनी वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ वुमन डायरेक्टर दैट शुड बी फिल्ड अप विद इन 3 months आफ्टर द वैकेंसी इज क्रिएटेड और द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड देयर आफ्टर विच एवर इज लेटर राइट। अब ये नहीं कहा गया कि ये लेडी जो होगी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगी या परमानेंट डायरेक्टर होंगी, ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। सो ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू दिस वुमन डायरेक्टर। आगे आइए, अब आता है सबसेक्शन 2। यस, ये आप डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज उसके लिए प्रोविजंस नहीं है, तो नहीं होने की परिस्थिति में ऑप्शन आपके पास खुला है। आप चाहे तो उन्हें रोटेशनल बना सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें नॉन रिटायरिंग कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। तो परिणाम ये होगा घर की महिला है तो नॉन रोटेशनल हो जाएंगी, किसी बाहर वाले को किया तो रोटेशनल हो जाएंगे। अब आता है सबसेक्शन 2। दिस इज एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। अब यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी देखिए क्या कहते हैं। रूल्स कहते थे विद इन 6 months सिंस इनकॉर्पोरेशन, ये कह रहे विद इन 1 year आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। व्हाट शैल प्रिवेल? एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। इट इज ऑलवेज द एक्ट विच विल प्रिवेल, नॉट द रूल्स। रूल्स में गड़बड़ अगर हुई बिकॉज रूल्स आर सबऑर्डिनेट टू द एक्ट राइट। तो वहां कह रहे थे 6 months सिंस इनकॉर्पोरेशन, लेकिन यहां पर कह रहे विद इन 1 year आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो टोटल पीरियड कितना मिल गया? विद इन 1 year Since commencement of new act, तो provisions कब से applicable हुए? 1 April 2013 से।
तो ऑन बिफोर 31 मार्च 2014 द रिक्वायरमेंट, सॉरी 14 से शुरू हुआ 15 तक है ना, सो ऑन बिफोर 31 मार्च 2015 रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंप्लाइड विद। तो नीचे एक नोट अलग से डाल लीजिएगा, एज पर सबसेक्शन 2 एज पर सबसेक्शन 2 ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लाइड विथ विद इन 1 year आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू प्रोविजन्स, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू प्रोविजन्स, फुल स्टॉप। तो ये सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, सबसेक्शन 3 दिस इज टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर। हालांकि रेसिडेंट वर्ड यूज नहीं किया है उसमें, है ना, उसमें कहा गया डायरेक्टर हुए स्टेड इन इंडिया, तो वो हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया कि शायद वो रेसिडेंट होगा। सो दिस सेज एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who has stayed in India during preceding calendar year for not less than 182 days। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है 182 डेज को लेकर? ये तो डिफरेंस है ही, यहां तो मामला कैलेंडर ईयर पर ले आए, वहां पर एक्सीडिंग 182 की चर्चा है या 182 की चर्चा है? वन एटी टू डेज और मोर, सो सेम थिंग इज देयर, है ना। जहां तक मुझे याद था दैट वॉज मोर देन 182, बट यू आर मोर करेक्ट इन दैट, वो शायद आपको, आप लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं आपको पता है, तो वहां रिक्वायरमेंट जो है दैट इज एक्सीडिंग होना चाहिए था एनीवे, तो यहां भी कह दिया, तो ये रिक्वायरमेंट जोड़ दिया कैलेंडर ईयर के साथ। तो ये प्रोविजंस ये नहीं कह रहा पर्सन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया और ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल द डायरेक्टर्स मे बी नॉन रेसिडेंट्स, ऑल द डायरेक्टर्स मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बट उसमें से कम अगर एक डायरेक्टर लगातार इंडिया में है फॉर मिनिमम 182 डेज एंड दैट इज एज पर कैलेंडर ईयर, then the requirement is fulfilled। देखिए provisions क्या कहते हैं, every company shall have at least 1 director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year। अब ये जो 182 days है this is total period and this total period need not be continuous, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सारे डायरेक्टर्स अब्रॉड हैं बट डायरेक्टर्स रेगुलरली कीप कमिंग टू इंडिया, राइट, तो मोर देन 1 डायरेक्टर कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट।
अगर यहां पर आ जाता टोटल पीरियड इज अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 182 डेज तो रिक्वायरमेंट अलग तरीके से आ जाती, तो कंटिन्यूस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट सिंपली सेइंग इफ द पर्सन हैज रेसाइडेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड और रेसाइडेड बिन स्टेड, द वर्ड यूज्ड इज स्टेड, राइट। सो इवन इफ ही इज नॉट हैविंग अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया बट द टोटल स्टे इन इंडिया इज मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कैलेंडर ईयर, देन दिस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। ओके, सो दिस इज सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 1 में क्या रिक्वायरमेंट्स आई, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्लस वुमन डायरेक्टर। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सबसेक्शन 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो एक साल के अंदर पूरी कर लेना चाहिए, और सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। तो रेसिडेंट डायरेक्टर आपको शब्द यूज नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट इज दिस, एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कैलेंडर ईयर फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ऑफ टोटल पीरियड, राइट। तो टोटल पीरियड का मतलब क्या निकला, द पीरियड ऑफ स्टे मे नॉट बी कंटिन्यूस। तो अगर वो फ्रेगमेंटेड भी है, अगर पार्ट्स में भी है, टुकड़ों टुकड़ों में है, और लेकिन 182 डेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो सबसेक्शन 3 की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ओके, नाउ सेक्शन 149, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, तीनों चीजें एक साथ है, एंड दीज डील विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सबसेक्शन 4 सेज एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव at least 1/3 of all directors as independent directors. कितना चाहिए, 1/3 पे नहीं अटकना, ज्यादा हो सकते हैं उससे कम नहीं। एंड इन एडिशन टू दीज लिस्टेड कंपनीज अदर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट वेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो नीचे डालेगा other than listed companies following public companies are also required to have independent directors. Dash E, paid up capital of 10 crores number B, turnover of 100 crores number C, loans and or deposits and/or deposits or debentures of 50 crores तो लिस्टेड कंपनी में कोई पैरामीटर नहीं,
if it has made a public issue, whether capital is 10 crores or not, whether turnover is 100 crores or not, or whatever is the borrowing, irrespective of that, it is required to have at least one third. But other than listed companies are also required to have independent director, but only in case of public companies. Public companies mein parameters kya rakh diya humne? Ya to paid up capital kam se kam 10 crore ho, ya fir turnover uska 100 crores ho, ya fir total loans uske paas kam se kam 50 crore ke ho. To requirement kahan aayi? Requirement private companies and public companies, private companies mein requirement kabhi hai hi nahi. Public companies listed and unlisted companies, listed companies requirement is always there, right? Unlisted companies only if it is having paid up capital 10 crores or turnover 100 crores or loans, these are worth 50 crores और उसके आगे कर दे एनी वन, कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है. अब इसके नीचे इसको क्लोज कर दीजिए. Where company has appointed independent directors, and any vacancy is created, then it shall be filled up within 3 months or in the first board meeting held thereafter, either within 3 months or in the first board meeting held thereafter, whichever is later. So this requirement is same as in case of woman director. Agar koi vacancy aa jaye, so this is certainly a casual vacancy before the end of term, right? Para change. If company does not fulfill any of the aforesaid requirements for 3 consecutive financial years, then it need not appoint independent directors. अब ये प्रोविजन जो है सीएसआर से मिलता जुलता था कि लगातार 3 साल तक रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो आपको सीएसआर एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है, उसी तरह का प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में ला दिया. तो जो लिस्टेड है, अगर बाई चांस ये अनलिस्टेड में भी कन्वर्ट हो जाए तो भी लगातार अगले 3 साल तक तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेंगे.
यहां पर पेड अप कैपिटल टर्नओवर या फिर लोन्स में कोई कमी हो जाए तो भी अगले 3 साल तक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ही होगा। तो ये रिक्वायरमेंट कम से कम अगले 3 साल तो पूरी करना पड़ेगी। एक बार एप्लीकेबल हो गई तो आप कह सकते मिनिमम एप्लीकेबिलिटी इज 3 ईयर्स, राइट। जब 3 साल तक कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी उसके बाद कंपल्सरी अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, राइट। पैरा चेंज फर्दर, सबसेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट ऑल द कंपनीज शुड कंप्लाई with the requirements within 1 year since commencement of the act, तो ये provision उसी तरह का हो गया जो already woman director के लिए भी था। Requirement must be fulfilled within a period of 1 year. This requirement should also be within a period of 1 year, right? अब when a person can be referred as an independent director, subsection 6 उसके बारे में, subsection 4 कह रहा था requirement about appointment, subsection 5 कह रहा time limit within which appointment should be done, and subsection 6 कह रहा what are the requirements to be considered as an independent director, right? तो इस sub heading डालिए requirements for independent director. Requirement for independent director. बहुत सारी चीजें दे रखी हैं कि उसमें किस तरह का एसोसिएशन उसका कंपनी से या सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट से नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी फुलफिल कर पाएगा, है ना। अब ये लिस्टिंग करने के पहले अपन कुछ दूसरी बातें दूसरी कर ले कि जब भी किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा अपॉइंटमेंट के पहले उससे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा दैट ही फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको याद होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको हर साल एक स्टेटमेंट डिक्लेरेशन लगाना है दैट दिस डिक्लेरेशन हैज बीन ऑब्टेंड। सो एवरी ईयर दिस डायरेक्टर हैज टू मेक अ डिक्लेरेशन दैट ही कंटिन्यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार में 2 साल दो टर्म तक कंपनी में रह सकता है, उसके बाद उसमें भी कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट आ जाता है। 3 साल तक के लिए वो व्यक्ति लगातार उस कंपनी में फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह पाएगा। तो वो प्रोविजंस कुछ अलग से एप्लीकेबल होंगे जो हम इसके बाद नोट करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पॉइंट नंबर 1 या ABC कर दीजिए जो भी करना चाहें, ही शुड नॉट बी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। अब हो सकता है कि कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ही हिमसेल्फ इज एन आउटसाइडर अपॉइंटेड पर्सन फॉर द जॉब, ही मे नॉट हैव एनी शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, ही फुलफिल्स ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बट स्टिल ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहले तो इस क्लॉज को कर दिया दैट मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर वो व्यक्ति अगर आवश्यकता पूरी भी कर रहा है तो भी उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। नंबर 2, ही इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी कॉमा सब्सिडियरी कंपनी कॉमा होल्डिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसको ऊपर की क्लॉज में ही हम जोड़ सकते थे एक्चुअली, है ना, लेकिन यही अलग अलग क्लॉजेस बने हुए। तो सबसे पहले क्या दिया मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं कहलाएंगे।
दूसरी बात, ही शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. नंबर सी, ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी. तो खुद प्रमोटर नहीं होना चाहिए और वो व्यक्ति किसी भी डायरेक्टर या प्रमोटर के साथ रिलेट भी नहीं होना चाहिए. अब देखिए दोनों क्लॉज में अंतर है. पिछले क्लॉज में हमने लिखा था सिर्फ ही इज नॉट अ प्रमोटर, अब यहां पर कर दिया ही इज नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग एज वेल एज एसोसिएट कंपनी. अगला क्लॉज कहता है उस व्यक्ति का कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट, should not be having any financial relation with the company, comma holding, comma subsidiary, comma associate, comma their directors and promoters during preceding two financial years as well as करंट फाइनेंशियल ईयर. फुल स्टॉप. तो ये क्लॉज उस व्यक्ति के खुद के बारे में है. सेकंड पॉइंट, ही इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कंपनी, सब्सिडियरी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट और ऑफ कंपनीज आल्सो, जस्ट लाइक इन थर्ड पॉइंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी. ये क्लॉज तो सब जगह कॉमन चलेगा, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट. यस, ये क्लॉज सब जगह कॉमन है. तो अभी जो हमने, हाँ राइट, यस, रिलेटिव, बिकॉज इंडिविजुअल का तो सिर्फ रिलेशन उसी तरीके से हो सकता रिलेटेड, है ना. अब उसमें एक चीज और भी हो सकती है, द पर्सन कैन बी रिलेटेड एज अ पार्टनर ऑल्सो. तो रिलेटेड एंड रिलेटिव, दीज आर डिफरेंट टर्म्स, राइट. तो रिलेटेड इंक्लूड्स अ पार्टनर ऑल्सो, रिलेटिव टर्म इज वेरी स्मॉल टर्म. तो अगर उस व्यक्ति से रिलेटेड भी है तो मामला रिलेटिव का नहीं है, मामला रिलेटेड का है. तो रिलेटेड इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू रिलेटिव. तो रिलेटिव्स तो उसमें शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन अगर उसके रिलेटेड भी है, अगर पार्टनर भी है, बिजनेस एसोसिएट भी है, तो वो भी इसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे. दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. जी, कजिन्स आर नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, राइट. तो आप अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कर ले तो नॉट बीइंग रिलेटिव, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड, ठीक है ना. लेकिन जब मामला आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का, तो आपको बताना पड़ेगा द पर्सन इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर्स. एंड इफ अदर डायरेक्टर्स एक्सेप्ट दैट, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट वन, अदरवाइज ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वन, है ना. तो देखिए पहले कभी एक क्वेश्चन आया था, पुराना क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी का नहीं है. डायरेक्टर्स स्पाउस इज कंट्रोलिंग अनदर कंपनी, the director himself doesn't have any interest in another company, but spouse of the director is controlling another company, and the first company wants to deal with another company.
What is the responsibility of director? तो disclosure of interest में कहीं आता ही नहीं whether spouse is controlling another company. Disclosure of interest में नहीं आता, लेकिन फिर भी मामला ethical पे आ गया. That as a matter of ethics, he should inform all the other directors that the other company with whom the company proposes to enter into contract is being controlled by the spouse. तो मामला ethical पे आ गया. तो जैसे आपने कहा कजिन्स को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू मेक अ फुल एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ दैट. ठीक है, आगे. तो ये जो भी उन्होंने लास्ट क्लॉज लिखा, अभी इसमें क्या लिखा हमने, शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल या पिक्यूनियरी रिलेशन विथ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट देयर प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स. उसका खुद का तो रिलेशन जीरो चाहिए. कब कब की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स. उसका खुद का कोई रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन उनके साथ में नहीं होना चाहिए. तो पता लगा व्यक्ति पिछले साल तक कंपनी में कंसल्टेंट था, इस साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, वो नहीं चलेगा. कंपनी में छोड़ दीजिए, एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग के साथ अगर उसका कोई बिजनेस रिलेशन रहा है वो भी नहीं चलेगा. सो पर्सन हैज टू बी एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एटसेट्रा. तो अगर उसका कोई रिलेशन नहीं रहा है तभी जाकर वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट कहलाएगा. अब लेकिन सेम चीज फाइनेंशियल रिलेशन बाकी सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं कर सकते. उस इंडिविजुअल को कह सकते हो उसका व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके रिलेटिव्स को भी तो अगर आप इसमें पकड़ लेंगे तो फिर इंडिपेंडेंट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. तो रिलेटिव्स के लिए उसमें क्लॉज अलग से डाल दिया है कि अगर उसके जो रिलेटेड पार्टी है उनका बिजनेस क्या होगा. पहले मैं क्लॉज पढ़ रहा हूं फिर देखिए. नन ऑफ द रिलेटिव्स हैज और हैड पिक्यूनरी रिलेशन और ट्रांजैक्शन विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और दैट प्रमोटर डायरेक्टर्स. लेकिन अब आगे उसमें सीलिंग डाल दी कितने अमाउंट तक. तो उसमें आगे कहा अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग टू प्रीसीडिंग ईयर्स एज वेल एज करंट फाइनेंशियल ईयर. तो उसमें दे दिया कि कंपनी का जिस कंपनी से डील कर रहे हैं उसके टर्नओवर के 2% से कम है या 50 lakh रुपए तक है वहां तक एग्जम्पशन है. अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर वो भी मामला डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाएगा. तो ये जो क्लॉज अभी जो लिखा है दैट इज फॉर पर्सनल. लेकिन अगला जो क्लॉज लिख रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं रिलेटिव्स के बारे में. तो नेक्स्ट वन, हिज रिलेटिव्स डिड नॉट हैव एनी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप. पिक्यूनियरी या फाइनेंशियल एक ही बात है. रिलेशनशिप विथ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स. ड्यूरिंग प्रोसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स. तो यहां पर तो कह दिया नो रिलेशन, लेकिन इसी में अपने को डालना पड़ेगा हाउएवर इफ देयर फाइनेंशियल रिलेशन डिड नॉट एक्सीड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिड नॉट एक्सीड 2% ऑफ द टोटल टर्न ओवर ऑफ 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड, then this will not be a disqualification for independent director. तो जब individual का खुद का matter आया तो उसमें कोई exemption नहीं है. एक पैसे का transaction भी उस व्यक्ति को तकलीफ दे देगा that the person will get disqualified to be independent director. लेकिन अगर relatives का मामला है तो फिर उनको कहा गया कि या तो उनका कोई relation ना हो, लेकिन अगर relation रहा है तो एक certain limit तक उसमें exemption रहेगा. कितना limit है उसमें, either 2% of the turnover or 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed. So para change. However, if the relatives had any financial relation with the persons referred above, any financial relation with the persons referred above,
comma. The person is eligible to be independent director if the aggregate value of transactions did not exceed 2% of the turnover or rupees 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, comma, whichever is lower, whichever is lower. तो जहां पर 2% itself amounts to 5 crores, अगर कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर मान लीजिए 500 करोड़ का है तो 2% विल बिकम 10 crores, तो 10 crores का एग्जम्पशन नहीं दे रखा, इन दैट केस इट विल बिकम 50 lakhs, राइट. लेकिन अगर टर्नओवर सामने वाले का है ही कुल मिलाकर 5 करोड़, तब 2% इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर 50 lakhs इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज मामला कर दिया विच एवर इज लेस. सो आइदर 2% और 50 lakhs और हायर अमाउंट विच में बी गिवन बट विच एवर इज लेस, वहां तक के लिए एग्जम्पशन रहेगा. और ये एग्जम्पशन सिर्फ रिलेटिव के लिए है, उस व्यक्ति विशेष के लिए, खुद के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है. नेक्स्ट क्लॉज. अब जो अगला क्लॉज है उसमें खुद का प्लस रिलेटिव दोनों का शामिल है. ऊपर हम अलग अलग करते आए थे, पहले हम सब इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे, फिर रिलेटिव्स की बात आई, अब जो आगे क्लॉज आ रहा है दैट इज हिमसेल्फ एज वेल एज रिलेटिव्स. तो नेक्स्ट क्लॉज, नीदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स डैश सब पॉइंट वन या ए जो भी आपने किया हो, होल्ड्स एनी पोजिशन एज की मैनेजरियल पर्सनल और एज एन एम्प्लॉय. अब ये तो बहुत वेक कर दिया, एनी एम्प्लॉय, की मैनेजरियल पर्सनल तो फिर भी समझ में आता था, इवन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट इज लीडिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन ऑफ द कंपनी होल्डिंग कंपनी, सेम क्लॉज पूरा का पूरा, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर्स नंबर बी. केएमपी नीड नॉट बी एन एम्प्लॉय, की मैनेजरियल पर्सनल में कौन लोग शामिल हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, राइट. अब मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मैनेजर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. दिस इज इंटरप्रिटेशन एज पर कंपनीज एक्ट. एज फार एज इनकम टैक्स इट इज कंसर्न दे आर ऑलवेज एम्प्लॉयज, बट एज फार एज कंपनीज एक्ट इज कंसर्न मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर आर नॉट कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयज, राइट. तो उन्हें, क्योंकि उसमें क्या कह दिया गया है, द पर्सन कैन होल्ड पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन मोर देन वन कंपनीज,
right? So when it comes to employment, even part-time employment is acceptable. So those are not treated as employees for the purpose of Companies Act, right? But Income Tax Act ka meaning alag hai, yahan par meaning alag hai. So that's why employee does not mean KMP are included in that. So KMP is having employees as well as non-employees, right? So isliye employees ka clause usme alag kiya hai. So either holding position as KMP or as an employee. Agar KMP to certain senior position mein chala gaya. लेकिन अगर के एम पी नहीं है बट अदरवाइज ही इज एन एम्प्लॉय, वो भी मामला डिस्क्वालिफिकेशन में आया. यस, ये तो मैंने कहा ये वेग है कि आप एम्प्लॉय की बात करो तो एम्प्लॉय तो किसी भी पोजीशन में हो सकता है. ही मे बी सीनियर पर्सन, ही मे बी वेरी जूनियर पर्सन, ही मे बी फ्रेशर, ही मे बी ट्रेनी, इजंट इट? तो डिस्क्वालिफिकेशन खड़ा हो जाए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए. तो ये अभी जो हमने बात की सबसे लास्ट क्लॉज में कि आइदर ही और हिज रिलेटिव वॉज नॉट इन अ पोजिशन ऑफ के एम पी और एम्प्लॉय एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोसीडिंग थ्री ईयर्स इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी. नंबर बी, इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और पार्टनर और प्रोपराइटर ऑफ द फर्म प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू ऑडिट और लीगल और एनी अदर कंसल्टेंसी टू द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट at any time during preceding three financial years, at any time during preceding three financial years. Para change, in case of services other than audit there is exemption available full stop. It means if the value of legal and other consulting services did not exceed ten percent of the turnover of the firm then disqualification does not arise. अब ये फिर से एक वेग क्लॉज है. देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था, ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एटसेट्रा. अब यहां पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर किसी फर्म में पार्टनर था या प्रोपराइटर था या उसके साथ वहां का एम्प्लॉय था, दोज हु आर गिविंग कंसल्टेंसी सर्विसेज बट अदर देन ऑडिट, देन एग्जम्पशन इज अवेलेबल अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द फर्म. कि अगर फर्म ने जो कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी को दी हैं और वहां से जो उसको पैसा मिला है, इट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द फर्म, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी. अब दोनों को रिलेट कैसे करें?
एक तरफ कह रहे हैं देयर इज नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, दूसरी तरफ कह रहे हैं अप टू 10% इज अलाउड. अप टू 10% मान सकते थे इट वॉज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ बींग एन एम्प्लॉय, बट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पार्टनर और एज वेल एज प्रोपरेटर ऑफ द फर्म. तो कंफ्यूजन खड़ा कर दिया, isn't it? तो यहां पर बात कर रहे हैं कि अप टू 10% है तो वो अलाउड है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. ऑडिट में कोई एग्जम्पशन नहीं है, क्योंकि सबको एक साथ जोड़ा हमने, आइदर ऑडिट और लीगल और अदर कंसल्टेंसी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 3 years, राइट. ऑडिट में लेकर कोई एग्जम्पशन नहीं, अदर कंसल्टेंसी लीगल एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द फर्म, दैट इज अलाउड. बट मुझे उसमें शंका है, क्योंकि जब ऊपर उसमें क्लॉज ऑलरेडी लिया नो फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी, तो फिर इसका क्या उसका मतलब क्या निकलेगा. खैर वो इंटरप्रिटेशन की बातें हैं, अभी हम उसमें नहीं पढ़ते. नेक्स्ट क्लॉज, यस प्लीज. वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, लेकिन ये जो अभी जो हम क्लॉज कर रहे थे ये इंडिविजुअल प्लस उसके रिलेटिव दोनों के लिए है. यस, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो पाएगा. देखिए रिलेटिव की डेफिनेशन थोड़ी छोटी कर दी है अभी. रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन शामिल है? इंडिविजुअल, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड देयर स्पाउस प्लस चिल्ड्रन. बस यहां तक मैटर आके खत्म हो जाता है. काफी चीजें इसमें से निकाल दी गई है ना. तो डायरेक्ट रिलेशन जो है सिर्फ उन्हीं को रखा है, दैट टू वन जनरेशन अबव वन जनरेशन बिलो, उसके आगे नहीं. तो पहले ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल थे, अभी उनको हटा दिया. ग्रैंड चिल्ड्रन भी शामिल थे, उनको हटा दिया. सो इंडिविजुअल वन जनरेशन अबव वन जनरेशन बिलो मल्टीप्लाइड बाय टू, दैट इज द डेफिनेशन. ठीक है, तो अभी उस चीज को पकड़ पाना थोड़ा सा इजी होगा, कि आपको सबसे पूरी पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, राइट. अब कोई भी इंडिविजुअल ये तो नहीं बोलेगा कि सब उसके फर्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को उसको अता पता नहीं है कुछ. जब मैटर और आगे जा रहा था, ग्रैंड पेरेंट्स का भी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन का भी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, तब उसमें कंफ्यूजन था कि तब कितनी दूर तक आप रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे और किस किस के क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे. अभी फिलहाल ये स्थिति बनेगी कि जो व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर है उसके रिलेटिव को तो आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते. ये स्थिति बनेगी, उल्टा कर समझना है अपने को, है ना, कि अगर हमको किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना है तो वी हैव टू सी दैट द पर्सन हु इज द ऑडिटर हिज रिलेटिव इज नॉट देयर, और इफ वी हैव सम कंसल्टेंट देन हिज रिलेटिव ऑल्सो इज नॉट देयर. लेकिन उसको ले पाएंगे अगर कंपनी से उसका बिजनेस रिलेशनशिप उसके टोटल टर्नओवर का 10% से ज्यादा नहीं हुआ तो, है ना. तो अपन एज ए कंपनी सोचे तो दूसरी बात होगी, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सोचे तो उसका सोचना थोड़ा सा अलग हो जाएगा. पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होगी. इसमें तो कुछ नहीं लिखा. क्यों? इंटरनल ऑडिट भी तो कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है, कॉस्ट ऑडिट भी तो यहां पर ही आ रहा है. देखिए जब तक स्पेसिफिक ना कर दे तब तक तो अपने को यही मानना पड़ेगा ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट्स आर कवर्ड. जब से कंपनीज एक्ट 2013 मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, मैं एक ही बात कर रहा हूं, एरर्स एरर्स एरर्स, है ना. तो अपना आइडिया फिलहाल एग्जाम पास करने का है, इसकी एनालिसिस एग्जाम में नहीं लिखना है. जो लिखना है वो मैं आपको नोटबुक में करवा दे रहा हूं, उतना एग्जाम में लिखो, नंबर मिल जाए, बाद में अपन एनालिसिस करेंगे क्या ठीक है क्या गलत. नेक्स्ट क्लॉज, he and his relatives together do not hold more than 2% of the
2% को थोड़ा चेंज किया, 2% और मोर, डू नॉट होल्ड 2% और मोर, तो 2% भी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, सिर्फ मोर देन नहीं, 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी अब यहां पर सिर्फ कंपनी रखा है इस क्लॉज में, इसमें होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट खत्म कर दिया। तो अगर वो व्यक्ति कंपनी में शेयर होल्डिंग रखता भी है लेकिन अगर उसकी होल्डिंग 2% से ज्यादा की नहीं है, ही कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही प्लस हिज रिलेटिव्स टेकन टुगेदर दे आर होल्डिंग बिलो 2% अप टू दैट लिमिट दे ही इज इंडिपेंडेंट, अगर 2% हो गया या उससे ज्यादा हो गया द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो हर साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट ही कंटिन्यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए स्टेटमेंट इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट दैट दिस डिक्लेरेशन हैज बीन ऑब्टेंड फ्रॉम एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो अब इस नीचे एक सब हेडिंग अलग से डालिए, डिक्लेरेशन। Every independent director who is proposed to be appointed, is required to give a declaration that he fulfills the criteria of being an independent director तो ये डिक्लेरेशन कब लेना है? द पर्सन हू प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले तो ये डिक्लेरेशन लिया, देन द पर्सन इज अपॉइंटेड, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर वन। नाउ पॉइंट फुट पॉइंट नंबर टू। एवरी ईयर दिस डिक्लेरेशन शैल बी गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and the board shall include it in the director's report to ye hua uska declaration। तो अपॉइंटमेंट के पहले देना है और उसके बाद हर साल देना है और डायरेक्टर्स को उसको लेकर स्टेटमेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में शामिल करना पड़ेगा दैट दे हैव ऑब्टेंड अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर दैट इज एलिजिबल टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। अब उसके उसका रेम्यूनरेशन पार्ट के सब हेडिंग रेम्यूनरेशन। The independent director shall not be entitled for any stock option or any other remuneration from the company but he is eligible for receiving sitting fees,
for attending meetings of the board or committees. Meetings of the board or committees, comma, as per articles of association, para change, he shall also be entitled for reimbursement of expenses तो अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं चाहिए. फाइनेंशियल रिलेशन में रेम्यूनरेशन को भी शामिल कर दिया कि वाइल बीइंग इंडिपेंडेंट ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी रेम्यूनरेशन. इसीलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने क्या डाली थी एलिजिबिलिटी में, ही इज नॉट द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर. क्यों? बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ही सर्टेनली गेटिंग ए रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी, और अगर रेम्यूनरेशन है सो ही कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो यहां भी उसी का फर्दर कंफर्मेशन, इज नॉट एंटाइल्ड फॉर एनी स्टॉक ऑप्शन और एनी रेम्यूनरेशन बट एलिजिबल फॉर sitting fees. Sitting fees is given to the directors as per articles. Reimbursement of expenses he is always entitled, right? तो ये मामला था उसके केवल remuneration को लेकर. अब कुछ छोटी छोटी बातें तो उस miscellaneous करके डाल देते हैं. एक heading डालिए miscellaneous, वो सिर्फ independent director को लेकर ही है miscellaneous. Point number one, an independent director can hold office for the term not exceeding 5 years at any one time. एक बार में 5 साल से ज्यादा के लिए आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर टू, एन इंडिविजुअल कैन एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर नॉट मोर देन 2 consecutive terms. For not more than 2 consecutive terms. Para change isi point mein. After the end of term, the person cannot be appointed in any capacity during next 3 years. मतलब 3 साल का कूलिंग पीरियड आ गया. तो जैसा ऑडिटर में था वही कंसेप्ट यहां पर ला दिया है ना, कि 2 टर्म तक व्यक्ति रह सकता है लेकिन उसके बाद कूलिंग पीरियड आ जाएगा. अगले 3 साल तक उस व्यक्ति का कंपनी में वापस आप उसको नहीं ला सकते. नेक्स्ट पॉइंट, during the term of office they will be treated as non-retiring directors. Last point, these directors
will be held liable only for those offenses for which they had the knowledge, or they have given the consent, or they have given the consent. Full stop. तो ये सारे provisions independent director के. तो coming exam में आप मान के चल सकते हैं independent director को लेकर कुछ ना कुछ तो exam में बनेगा. तो पहली बात, independent directors चाहिए कहाँ पर? चार्ट ऑलरेडी बना है. प्राइवेट कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड. ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑलवेज नीडेड. अनलिस्टेड कंपनीज ओनली इफ द पेड अप कैपिटल इज 10 crores और टर्नओवर इज 100 crores और लोन आउटस्टैंडिंग 50 crores. ये फिगर कब के लेंगे? लास्ट बैलेंस शीट के फिगर लेना है. राइट. रिक्वायरमेंट कब पूरी करना है? विद इन 1 year आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 1 साल का समय आ गया. जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया गया, अगर कोई वैकेंसी आ गई, दैट हैज टू बी फिल्ड अप विद इन 3 months और इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड देयर आफ्टर विच एवर इज लेटर. नंबर मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम नंबर इज 1/3 ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स. उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे. फिर सारा क्राइटेरिया आ गया, रिक्वायरिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो सारा लिस्टिंग हो गया. राइट. फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, ही शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल रिलेशन विद द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द सेटिंग फीस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस. देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर स्टॉक ऑप्शन स्कीम. उसका टेन्योर ऑफ ऑफिस कितना हो सकता है? एक बार में 5 साल से ज्यादा नहीं. आप 2 consecutive टर्म्स तक उसे अपॉइंट कर सकते हैं. ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा और उसके बाद अगले 3 साल में आप उस व्यक्ति को किसी भी पोजिशन में अपॉइंट नहीं कर सकते. They will be treated as a non-retiring directors. उनको retirement में category में नहीं रखते, because जब हम आगे चर्चा करेंगे, so company will have 2 categories with directors, retiring and non-retiring category. So independent director will always fall in the category of non-retiring directors. क्योंकि retiring director जो है वो तो seniority से हर साल उनका retirement आता है, तो हर तीसरे साल उनका retirement आ ही जाएगा. और आप इसको एक बार में अपॉइंट कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो retirement कैसे करेंगे फिर आप उसका? तो उसको अलग ही दे दिया गया दैट ही विल बी अ नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस. तो जो आप 1/3 2/3 आप कैलकुलेट करेंगे, दीज डायरेक्टर्स विल ऑलवेज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स. जी जी नहीं बेटा, उसमें कहा गया जब आप एक बार उसको अपॉइंट करेंगे तो आप उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. पहली बार आपने अपॉइंट किया, आप उसको 5 साल तक, आप अगर टर्म कम करना चाहते हैं आप उसको 4 साल कर लीजिए, 3 साल कर लीजिए, जो भी टर्म आप उसका फिक्स करना चाहते हैं आपने फिक्स कर दिया. तो अपॉइंट पहली बार आपने कर दिया 5 साल के लिए. अगर आज की तारीख में आप अपॉइंट करें, 2015 में अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो अब ये मामला चल रहा है 5 साल का, तो 5 साल का मतलब क्या होगा? मामला कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर का तो है नहीं, है ना. आप अगर मान लीजिए इस बार एजीएम में आपने अपॉइंट कर दिया अगले 5 साल के लिए, तो सितंबर 2014 में आपने एजीएम की और 5 साल के लिए कर दिया, तो कब तक चला गया? 15, 16, 17, 18, 19 की जब एजीएम आएगी उसमें आपने फिर से 5 साल के लिए कर दिया, तो 24 तक चला गया. 24 के बाद 3 साल तक वो व्यक्ति वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा, है ना. आप चाहें तो 5 साल बाद भी बदल सकते हैं. 5 साल बाद बदल दिया तो भी 3 साल का ही कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, है ना. तो उसको ये स्पेसिफिक कहा गया कि आप 2 consecutive टर्म तक रख सकते हैं. अदरवाइज ये क्लॉज अगर पहले आ जाता कि आफ्टर द एंड ऑफ टर्म देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years, तो उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल जाता. राइट. तो जैसा ऑडिटर के केस में था, वेर ए फर्म इज अपॉइंटेड, द फर्म कैन बी देयर फॉर द 2 consecutive टर्म्स ऑफ 5 years ईच. एग्जैक्टली सेम प्रोविजन यहां पर. इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डायरेक्ट ऑडिटर के लिए कंसेप्ट क्या है? ही कैन बी देयर ओनली फॉर 5 years, आफ्टर दैट देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years. जबकि फर्म के लिए 5 years plus 5 years. तो ये 5 plus 5 का कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी है. दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म अप टू 5 years एट वन टाइम. देयर कैन बी 2 consecutive टर्म्स, बट आफ्टर दैट देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years. और
तो ये सारे के सारे कंसेप्ट था सेक्शन 149 में। तो 149 अपने आप में काफी सारी चीजें ले आया। तो कितनी बातें आ गई 149 में? सबसे पहले तो मिनिमम नंबर की बात हो गई। मिनिमम कितना चाहिए? 1% कंपनी 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15, बट दैट नंबर कैन बी एक्सीडेड ओनली बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। उसके बाद रिक्वायरमेंट आ गई वुमन डायरेक्टर की। वुमन डायरेक्टर कहां पर चाहिए? ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अदर पब्लिक कंपनीज वेयर आइदर पेड अप कैपिटल इज 100 crores और टर्नओवर इज 300 crores एज पर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? तो वहां पर वो उसका अपॉइंटमेंट रेगुलर चाहिए ही चाहिए। अपॉइंटमेंट कब तक हो जाना चाहिए? विद इन 1 ईयर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स। और अगर वहां पर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए, द वैकेंसी हैज टू बी फिल्ड अप विद इन 3 मंथ्स और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर द वैकेंसी इज क्रिएटेड विच एवर इज लेटर। तो ये सब सेक्शन 3 तक आ गए। उसके बाद आगे के सारे प्रोविजंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर है। तो वेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, द चार्ट इज ऑलरेडी देयर, दिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ओनली पब्लिक कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो अगर लिस्टेड है एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड, अनलिस्टेड है कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। एक बार अगर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो गई तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कम से कम 3 साल तक तो रहेगी। तो प्रोविजंस आगे कहते हैं कि इफ ए कंपनी फेल्स टू फुलफिल एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर कंपनी एलिजिबल है या रिक्वायरमेंट है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 1/3 और मोर देन दैट, उतने लोगों का अपॉइंटमेंट करना है। कब तक कर लेना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। फिर रिक्वायरमेंट आगे हु इज एलिजिबल टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो रिक्वायरमेंट सारी हम देख चुके कि सब, वो व्यक्ति प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टर प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, उसकी वहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए, उनका उनसे रिलेशन भी नहीं चाहिए, फाइनेंशियल रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डिंग भी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑल दैट क्राइटेरिया वी हैव सीन। अब आगे प्रोविजंस कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति से डिक्लेरेशन लीजिए दैट ही इज एलिजिबल टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अपॉइंटमेंट के बाद हर साल उस व्यक्ति से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा दैट ही कंटिन्यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में यह भी डिक्लेरेशन देना है दैट दे हैव ऑब्टेंड अ डिक्लेरेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर मामला आ गया टर्म ऑफ ऑफिस का। टर्म ऑफ ऑफिस एक बार में 5 साल से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 टर्म तक वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है, और जब उसकी दोनों टर्म समाप्त हो जाएंगे तो 3 साल का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। उन 3 सालों में उसको कंपनी या एसोसिएट कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये है सेक्शन 149 रेड विद द रेलेवेंट रूल्स। ओके, तो आज की कहानी यहां तक, बाकी चर्चा कल करेंगे।